गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऐसा है, कल हमने जो कल थ्योरी करी थी मैनीक्योर की, तो उसमें आप लोगों ने सीखा था कि मैनीक्योर स्टार्ट कब हुआ और कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से टूल्स उसमें प्रयोग किए जाते हैं और किन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाता है। आज हम उन्हीं का प्रैक्टिकल देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको जो टाइप्स ऑफ मैनीक्योर है उसमें हमारा था बेसिक मैनीक्योर, तो बेसिक मैनीक्योर, प्लेन मैनीक्योर हम करते कैसे हैं, सबसे पहले मैं उसका वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आप वो देखिए। इसमें ये है कि सबसे पहले आप क्लाइंट के हाथों को अच्छे से रेस्ट करवाइए, थोड़ा सा नीचे टॉवल का बेस दीजिए और कंफर्टेबली उनको अरेंज करवा के सारे नेल्स को आपने एनालिसिस करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या किसी तरह का इन्फेक्शन या कोई और चीज तो नहीं है, कोई एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो उस चीज का भी ध्यान रखना है। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्लाइंट के हाथ को एक दो मिनट के लिए पानी में डिप कर दें, जिससे वो क्यूटिकल्स जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं या नेल सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसके बाद उनको फाइल करना बहुत आसान रहता है। यहाँ दो तरह के नेल फाइल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें एक मेटल फाइलर है और एक वुडन फाइल है। मेटल फाइलर जब बहुत ज्यादा अगर हार्ड नेल्स होते हैं तब उस कंडीशन में यूज किया जाता है, बट वो थोड़े से रफ होते हैं, और थोड़े से फाइन ग्रेनुलर वाला जो होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, वो वुडन वाला होता है। जब फाइनली शेप दिया जाता है और फिनिशिंग दी जाती है तो वुडन यूज किया जाता है। जब आपको बहुत ज्यादा फाइल करना है तब आप फाइल करके प्रॉपर शेप में लाना या शेप को चेंज करना है, उस कंडीशन में आप मेटल फाइल को इस्तेमाल करेंगे। कल जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था नेल शेप के बारे में, तो नेल शेप किस तरह की है इसमें आप देखिए, इसका फ्री एज, ये जो नेल बेस है ये ल्यूनुला साइड से, ये ओवल शेप में है और इसको वो फ्री एज की तरफ से वो स्क्वायर शेप दे रहे हैं, जस्ट कॉर्नर को राउंड कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं, इस पूरे एंटायर शेप को बोलते हैं स्क्वायर, दैट मींस स्क्वायवल, स्क्वायवल शेप। तो आजकल जो ट्रेंड में है वो ये है स्क्वायर। जस्ट इसमें कॉर्नर्स को राउंड करना होता है। फाइलिंग के बाद हम क्यूटिकल करेंगे, अब क्लीन क्यूटिकल्स पे वर्क करेंगे। सबसे पहले आपने क्यूटिकल पे वर्क करने के लिए आप कोई भी क्यूटिकल सॉफ्टनर, क्यूटिकल ऑयल उसको सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए वो लोग ऑयल यूज कर रहे हैं,
बट ऑयल को भी ऑरेंज वुड स्टिक लिया, उसको कॉटन से कवर किया, आफ्टर दैट उसको क्यूटिकल्स के ऊपर अप्लाई किया. क्यूटिकल पुश करने के बाद ये क्यूटिकल्स की कटिंग हो रही है. इन्होंने जो नेल निपर लिया है वो नाइफ फॉर्म में लिया है. एक निपर मैंने कल आपको दिखाया था वो सीजर फॉर्म में था. हमेशा नाइफ को फ्लैट सरफेस पर ही यूज करना, बिल्कुल टिप से कभी भी इस्तेमाल नहीं करना. पुश करने पे जो भी डेड स्किन निकलती है उस डेड स्किन को आप रब करके कट कर सकते हैं. एक चीज का और आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि हमारा काम है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, ना कि स्प्रेड करना. तो उसके लिए आप जब भी टूल्स से आप नेल्स पर काम करते हैं या वर्क करते हैं या टूल्स आप क्लाइंट के स्किन को टच करते हैं, तो एक कॉटन बॉल पर आप कोई भी एंटीसेप्टिक लाइक डेटॉल या सेवलॉन जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उससे टूल्स को एवरी टाइम आप क्लीन करेंगे, देन उसको नेल पर टच करेंगे. और एक फिंगर पर करने के बाद वही कॉटन आपने दूसरी फिंगर पर यूज नहीं करनी है, ताकि एक फिंगर का इन्फेक्शन जो है वो दूसरे फिंगर तक नहीं जाना चाहिए. एवरी सिंगल टाइम आपने जब भी फिंगर चेंज करेंगे आप टूल को पहले क्लीन करेंगे फिर अप्लाई करेंगे. अगर बहुत ज्यादा कोई बड़ा हुआ क्यूटिकल है और अलग से स्किन आपको दिख रही है और वो फ्लैट कटर से भी नहीं कट रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप सीजर फॉर्म वाला जो न्यू क्यूटिकल निपर है आप उसको यूज कीजिए. जो हार्ड क्यूटिकल्स हैं वो इससे इजीली कट हो जाते हैं. क्यूटिकल पे वर्क करने के बाद आपने अब नेक्स्ट हमारा काम जो है वाटर क्लीनिंग यहीं पे फिनिश हो जाती है. इसके बाद आपने शुरू करना है स्क्रब. स्क्रब जो है वो डीप क्लीनिंग का पार्ट होता है, जिससे हम ये ऊपर का जो सरफेस है स्किन का, यहाँ पे डेड स्किन सेल से एक लेयर बन जाती है और टैनिंग हो जाती है. हम स्क्रब, माइल्ड स्क्रब यूज करके उस टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं और वो डेड स्किन की जो फाइन लेयर्स होती है वो भी, डेड सेल्स की वो फाइन लेयर भी रिमूव हो जाएगी. अच्छे से रब कीजिए और 3 से 4 मिनट तक आप स्क्रब कीजिए अच्छे से. Because this scrub's also got an oil base to it, you're going to leave the client feeling really
जैसे वेट वाइप से आप इसको स्क्रब के बाद आप स्किन को क्लीन करेंगे, और आप चाहे तो उसको आप वॉश ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छे से हाथ क्लीन कीजिए क्लाइंट के, और जितने भी इसके स्क्रब के माइल्ड ग्रैन्यूल्स हैं वो सब निकल जाने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आपने जब हमारा स्क्रब का स्टेप फिनिश हो जाता है, इसके बाद हम यूज करते हैं मसाज क्रीम। तो अगर आप चाहें, अगर आपके क्लाइंट की हाथों की कंडीशन ज्यादा खराब है, या बहुत ज्यादा डल और ड्राई फॉर्म में है, या स्किन बहुत रफ है, या कटी हुई है, रिंकल्ड ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आप मसाज क्रीम लेंगे और क्रीम से मसाज स्टेप्स करेंगे। 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक आप मसाज देंगे, उसके बाद हैंड मास्क आते हैं, आप मास्क यूज कीजिए। बट इन्होंने स्क्रब करके ही फिनिश कर दिया है। ऑलवेज जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे वो मास्क हो या स्क्रब हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, तो एटलीस्ट आपको सबसे पहले मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम पीरियड में वर्क करेगा, उसको कितनी देर तक स्प्रे करवाना है। मास्क है, कई मास्क 10 मिनट में भी अपना वर्क फिनिश कर देते हैं, कई मास्क तो पूरा रिजल्ट देने के लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स और हाफ एन आवर भी लग जाता है। तो बेस्ट है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट इसमें लास्ट स्टेप पे आ गए कि आपने मास्क लगाया, उसके बाद 5 से 7 मिनट या 10 मिनट आपने वेट किया। वेट करने के बाद मास्क जो अपना रिजल्ट देता है उसके उसके बाद आप इसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद अब यहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू होता है नेल पेंट एप्लीकेशन का। तो नेल पेंट एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले नेल्स के ऊपर से पहले तो आप क्रीम हटाइए, चाहे ऑरेंज वुड स्टिक पे कॉटन लेके आप सोपी वाटर में डिप कीजिए, नेल्स को वापस से क्लीन कीजिए, ताकि जितना भी क्रीम वगैरह या जो भी ऑइंटमेंट है वो इनके ऊपर होगा तो वो फिनिश हो जाएगा, निकल जाएगा, जिससे हमारा नेल पेंट इजीली स्टे करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बफिंग करना। बफिंग करने से ये सरफेस जो है, अगर अनइवन हमारे नेल्स हैं, कई बार होता है नेल प्लेट के ऊपर यहाँ पे बीच में अगर आप अपने ही नेल पेंट टच करके देखें तो एक इवन स्मूथ सरफेस नहीं होता, किसी किसी नेल में बहुत अनइवन सा लगता है देखने में, कहीं पे बीच में नाखून मोटा है, कहीं पे पतला है। तो अगर बिल्कुल ही रॉ नेल होगा बिना पेंट के, तो आपका इतना ज्यादा ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता जब तक आप टच नहीं करें, बट जब आप एक बार इनको कलर कर लेते हैं तो वो जो प्रॉब्लम है वो इजीली विजिबल हो जाती है। तो उससे बेटर है उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप पहले इस सरफेस को स्मूथ कीजिए, और स्मूथ करने के लिए आपको पहले बफिंग करना बहुत जरूरी है। Shabby liver with the buffing paste. So just please some
pictures are using the word hereditary skin name. And then what you'll find is that you're left with a very nice natural shape. Next, painting the nails. अब नेल्स को पेंट कैसे करना है, कलर कैसे करते हैं? सबसे पहले आप बेस कोट लेंगे और उसको थ्री स्टेप्स में अप्लाई करते हैं. फर्स्ट स्ट्रोक सबसे पहला जो होता है ब्रश का, फर्स्ट स्ट्रोक सेंटर से, नेक्स्ट देन राइट और फिर लेफ्ट. तीन स्ट्रोक में आपका पूरा एंटायर नेल प्लेट जो है वो कवर हो जाना चाहिए. लास्ट में टिप को सी करना होता है. जो भी एक्सेस होगा वो ऑरेंज वुड स्टिक से आप निकाल सकते हैं. बेस कोट ड्राई होने के बाद आप टू कोट्स जो है वो नेल पेंट के लगाएंगे. सेम वही तरीका होगा, फर्स्ट स्ट्रोक सेंटर में, देन राइट और लेफ्ट. और लास्ट में आप सील कर दीजिए. कभी भी आपका नेल पेंट जो है वो क्यूटिकल के पास टच नहीं होना चाहिए. क्यूटिकल से थोड़ा सा डिस्टेंस, 0.2 का डिस्टेंस आप छोड़ के चलेंगे. ओके, हमारा ये फर्स्ट वीडियो जो है वो अभी यहीं पे फिनिश होता है. तो इसके बाद अगर आप प्लीज है आप चैट बॉक्स में आप डाल के क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आप हैंड रेज भी कर सकते हैं अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो. चलो मैं नेक्स्ट वीडियो आप शेयर करती हूँ. नेक्स्ट हमारा है फ्रेंच मैनिक्योर. कल हमने मैंने पढ़ाया था आपको फ्रेंच मैनिक्योर के बारे में. तो सो फ्रेंच मैनिक्योर प्लेन मैनिक्योर से कैसे चेंज होता है आप वो देखिए. सबसे पहले अपने क्लाइंट के हाथ सैनिटाइज करें, अपने हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें. इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं वो सेम टू सेम प्लेन मैनिक्योर के जैसे होते हैं. सिर्फ चेंजेस आता है नेल पेंट एप्लीकेशन के अंदर. जैसे मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले ये फ्रांस में शुरू हुआ था, जिसमें नेल्स को हाईलाइट करने के लिए और नेचुरल लुक देने के लिए सिर्फ फ्री एज को व्हाइट कलर दिया जाता था और एंटायर बेस को पिंक शेड में रखा जाता था, जिससे वो बहुत रियलिस्टिक और क्लीन लुक देते थे. सैनिटाइज करने के बाद नेल पेंट रिमूव किया. क्यूटिकल अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा क्लीन कर लिया. और जो नेचुरल नेल का आपका शाइन होता है उसको बफर करके उसको आप फिनिश करेंगे पूरा, ताकि थोड़ा सा रफ सरफेस आ जाए और जो इसकी ओरिजिनल शाइनिंग है वो फिनिश हो जाए. इसको वाइप करके क्लीन किया. आई बॉन्ड इट नॉन
नेक्स्ट इसके बाद आप प्राइमर यूज करेंगे. प्राइमर जस्ट एक बेस होता है जिससे आपका ओरिजिनल नेल का जो कलर है या जो भी कॉस्मेटिक उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो वो नुकसान नहीं देगा और एक स्मूथ बेस देगा. नेक्स्ट इसके बाद बेस कोट अप्लाई किया और सील कर दिया. क्योंकि ये जेल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जेल नेल पेंट यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको एवरी सिंगल कोटिंग के बाद यूवी रेज में यूवी लैंप में इसको आपको ड्राई करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 or 3 minutes के लिए. तो जैसे उन्होंने बेस कोट अप्लाई किया था उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए 2 to 3 minutes यूवी लैंप में रखा. फिर उसके बाद अब ये जेल कलर का यूज कर रहे हैं प्लेट को पिंक कलर देने के लिए. जेल ब्रश पे हमेशा एक बॉल फॉर्म में ही आपने पिक करना है. बॉल फॉर्म को फिर सर्कुलर मोशन पे धीरे धीरे डैप करते हुए पूरे नेल के ऊपर स्प्रेड करना है और फिर उसको नेल पेंट एप्लीकेशन के तरह नेल पेंट पे फैलाना है. सील कर दिया और अब इसको यूवी लैंप के अंदर मिनट के लिए यूवी लैंप में ड्राई किया और उसका सेकेंड कोट फिर से करना है. बॉल में लेके बॉल फॉर्म में लिया और सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हुए उसको स्प्रेड किया. एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें भी देखो आप क्यूटिकल लेयर को बिल्कुल भी टच नहीं किया. क्यूटिकल को टच नहीं करना, एटलीस्ट 0.1 का या 0.2 का स्पेस जरूर होना चाहिए. कई लोग नेल पेंट एप्लीकेशन करते हैं तो वो क्यूटिकल लेयर के साथ बिल्कुल स्किन के साथ चिपका के फिर कलर को यूज करते हैं. तो जो भी आपने मेनिक्योर करवाया और आपने जो भी क्यूटिकल कट करवाए, जस्ट एक इसलिए करवाया आपने कि यहाँ से क्यूटिकल लेयर जो है वो एक डेड स्किन आपके स्किन के यहाँ जो मैट्रिक्स के पोर्स होते हैं उनको क्लोज कर देती है. तो हमने उस पोर्स को कट करके उनको पुश करके वो पोर्स ओपन किए एंड ओपन करने के बाद उन पोर्स को आपने मैट्रिक्स के जो सेल्स हैं वो ओपन होंगे और आपका नेल इजीली ग्रो करेगा. बट आप अगर उसके ऊपर नेल पेंट लगा देंगे तो वो सेल्स जो है वापस से क्लोज हो जाते हैं, पूरे पोर्स वो वापस से बंद हो जाएंगे. तो इसलिए हमेशा जब भी आप कोई नेल पेंट एप्लीकेशन करें या कुछ भी लगाएं तो कभी भी यहाँ स्किन के साथ टच नहीं करना. आपका नेल बेस तैयार हो गया. अब इसको फाइन आप फाइलर से शेप अप कीजिए. अगर एक्सेस आया तो फ्री एज को व्हाइट करने के लिए, टिप व्हाइट करने के लिए 2 brushes लिए और 2 brushes से जो मेरा व्हाइट जेल पॉलिश है वो लेकर यहाँ उन्होंने नेल बेस नेल टिप के ऊपर यहाँ अप्लाई करेंगे. और उसके बाद देखो आप Smile line.
apply one or two coats of your white gel art paint. I'm only going to apply one. इसके बाद आपने सबसे पहले जो किया था आप फिनिश करने के लिए आप क्या करेंगे इसमें लास्ट टॉप कोट अप्लाई करते हैं उसको सील करने के लिए. जब पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्या करना है, आपने एक जस्ट वाइप लेके जो एक्सेस होगा वो निकल जाएगा, आप वाइप लेके उसको क्लीन कर दीजिए और लास्ट में थोड़ा सा क्यूटिकल ऑयल ताकि यहाँ आसपास स्किन पे ड्राइनेस नहीं आई हो यूवी लैम्प में यूज करने से या कुछ ऑयलमेंट लगने से, तो आप थोड़ा सा क्यूटिकल ऑयल आप इसके आसपास के सरफेस पे स्किन सॉफ्ट करने के लिए आप रब कर सकें. ठीक है, इसके बाद फ्रेंच मैनिक्योर जो नेचुरल नेल पर आपने किया वो इस तरह से था. एक फ्रेंच मैनिक्योर जो है अभी दोबारा से एक एप्लीकेशन देखोगे जिसमें ऑलरेडी फ्रेंच मैनिक्योर किया हुआ और उसकी रिफिलिंग कैसे होती है, मतलब किसी ने पहले करवाया होगा तो जो नया नेल ग्रो होता है वो यहाँ पे ये जेल की कोटिंग है और नए नेल का इतना हिस्सा खाली रह जाता है. अब इसको कैसे भरना है और उस पर एप्लीकेशन कैसे करनी है अब आप वो देखेंगे. Your pink and white French manicure gel nail. Now I'm going to show you how to do a pink and white French manicure fill-in on your gel nail. Use a 100 grit purple terminator file. जो पहले आप फिलिंग करने के लिए जो पहले आपने सारा किया था उसको बफ करके आप सारा रिमूव करेंगे, पूरा नेचुरल नेल पेंट आप बाहर निकालेंगे तो ऊपर जो जेल की जितनी भी कोटिंग है वो सारी रिमूव हो जाएगी. File the entire nail and make sure the gel is flush with the natural nail. Push back the cuticle with the tritium stone. Cuticle push kiya. In case agar zarurat hai to. Remove any shine on the natural nail with your Shape It 180 gel file. जो नेचुरल नेल पे कोई भी अगर शाइनिंग हो तो आप उसको रिमूव करेंगे सबसे पहले बफ करके, बिल्कुल मैट फिनिश होना चाहिए, डस्ट को वाइप अप करिए. नेक्स्ट सेम प्रोसेस प्राइमर अप्लाई करेंगे. Area. Circular motions, move it from side to side, and then stroke it out. At the tip, cure 1 minute in a Mycomin LED or 2 minutes in UV. Now I'm going to apply my second coat of pink gel. I'm just going to put all of pink gel. Place this 1/32 of an inch away from the cuticle area. In a circular motion, move the gel from side to side. And stroke it out. Make sure to cover the entire side. Tap the tip. Cure 1 minute in your Mighty Mini LED or 2 minutes in a UV. Have the client go wash their hands with antibacterial soft soap and a plastic manicure brush. Apply flawless foundation to the entire nail. Nice long strokes. At the tip. Cure 30 seconds in a Mighty Mini LED or 2 minutes in UV. Dip your brush in your white gel art paint. Apply this to the free edge. All the way to the side. Across the nail. इसको फिनिश टच देने के लिए ब्रश पे आप ब्रश को आप प्राइमर उसमें यूज करेंगे. Smile on.
brush, there's any on the skin, any throughout the skin. Your 1 minute and your vitamin E LED, or 2 minutes of UV. You can apply one or two coats of the white gel art paint, but I'm only going to apply one. Now I'm going to apply the gel against flawless finish. The entire nail, nice long strokes, at the tip. फिनिश करने के लिए टॉप कोट लगाया और 3 मिनट्स के लिए आपने यूवी जेल में छोड़ दिया यूवी बेस में और वाइप ऑफ करके फाइनली नेल तैयार. Now you have your pink and white French manicure gel fill in. And we're next. यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक मैनिक्योर सॉरी ये फ्रेंच मैनिक्योर फिनिश और नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक मैनिक्योर कल जो आपको शेप्स के बारे में बताया था और स्क्रोवल आप देख चुके हैं और अब ये वाली जो शेप है जिसमें फ्री एज को भी ओवल किया गया है और बेस उसका ऑलरेडी ओवल है, ये पूरे एंटायर जो शेप कहलाती है ये ओवल शेप होती है. जैसे मैंने कल थ्योरी में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक मैनिक्योर को हम ड्राई मैनिक्योर के नाम से भी जानते हैं. इसमें नेल्स को पानी में डिप नहीं करवाया जाता, वाटर प्रोडक्ट कोई यूज नहीं होते, जस्ट कॉस्मेटिक आप यूज करते हैं और जितने भी हम गैजेट्स और टूल्स हम यूज करेंगे वो सब बैटरी ऑपरेटेड होंगे. अभी बफर आपने देखा था और इनका बफर जो है वो रोल फॉर्म में है डिस्क में. क्यूटिकल पुशर को ऑलवेज 30-35 डिग्री एंगल पर ही पकड़ना है जिससे कि उसका जो शार्प एज है ये वाला शार्प एज है वो स्किन में चुभे नहीं. Pull back the skin of your, on your finger here.
बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ पुशअप नहीं करना है इसको. स्किन को अच्छे से टाइटली स्ट्रेच रखिए, हल्का हल्का पुश कीजिए. जितना भी एक्सेस में अगर आपको डेड स्किन आई है या जो आपने स्क्रैप किया है वो निकल जाएगा सारा, इससे आप उसको रब करके निकाल सकते हैं. अब उसको जो ये एक्सेस आपको व्हाइट स्किन दिख रही है क्यूटिकल की, इसको रिमूव करने के लिए ये वाला जो डायमंड बिड है इसका, ये बेसिकली क्यूटिकल को स्मर्च करके निकाल देगा, तो उसके लिए ये यूज कर रहे हैं. बेसिकली जब भी इसको यूज करते हैं, जब हम मैनुअली इनको यूज कर रहे हैं बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स को, तो उसका जो स्पीड लेवल है वो ऐसा बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना हाई होगा वो उतना ही नेल के ऊपर प्रेशर करके नेल को डैमेज भी कर सकता है. तो इसका नॉर्मल आपने प्रेशर रखना है जब भी आप इसको इस्तेमाल करें, जिससे आप इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर पाए और इस इक्विपमेंट को भी इजीली हैंडल कर ले. बहुत स्लो होगा तब भी वो स्किन के साथ डैमेज होने के पूरे चांसेस है कि इधर उधर टच होगा और स्किन कटेगी. On the nails with a very light, gentle feather pressure. Okay? So we're going to do that now. जब नेल पे टच करेंगे तो आपका प्रेशर जो है बहुत जेंटल होना चाहिए, बहुत ही हल्का. जस्ट टच करना है नेल प्लेट को. Parallel to the nail, like so, and then also sort of have the perpendicular
only a couple of times, but no more than one. And for the most part, long, gentle. कई बार क्या होता है क्यूटिकल्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से इधर ये जो साइड की स्किन है ये भी बहुत ज्यादा हार्ड होती है और चुभने लग जाती है, तो इससे आप उसको भी कट कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी आपने मैनुअल नाइफ में पर लास्ट मैनिक्योर में देखा था, बेसिक मैनिक्योर में, तो जो मेल फ्लैट नाइफ निपर भी यूज कर रहे थे, एक और सीजर फॉर्म में निपर भी आता है जिसको क्यूटिकल, उससे आप इस स्किन सरफेस को भी कट कर सकते हो। ये सारी स्किन जो है हार्ड हो जाती है, मोटी हो जाती है, इतनी थिक होती है कि आप इसको अगर कट करेंगे तो आपको कोई पेन नहीं होगा और कोई ब्लड वगैरह नहीं आएगा। अब क्यूटिकल रिमूव करने के बाद नेल ब्रश से सारी जितनी डस्ट थी उसको रिमूव किया और अब बफिंग शुरू करेंगे। बफर बिट यूज कर रहे हैं। I'm going to actually work at a lower setting. Remember, you work at a higher setting, you're not shaving. If you are working at a lower setting, a lower RPM, you're kind of shredding. But this buffer and your hand buffer is not really rough enough to shred. So I'm not going to be concerned too much with working too slow or at a lower RPM. So this one, I'm only going to do about 7,000 RPM, 8,000. And I just want to remove any shine left on my nose. Again, you can do this with a hand buffer, but I have a tool or I have a bit for this. I'm gonna do it. Very, very gentle. It's not removing an excess amount of nail. Simply removing the shine. If I work at a high speed with this particular tool or even my hand buffer, I'm actually going to be shining the nail. Think about when you do a high shine finish, you actually take your buffer and you go hard on it, basically, and then the nail starts becoming shiny. So even though this is not that type of material, it's not really a chamois, you can significantly, but minuscule at the same time, bring some shine back onto the nail. So you want to work at a lower setting and extract some of the shine from the nail. Very, very gentle, and small or gentle pressure. You'll remove your dust with your manicure brush. You'll take a lint-free wipe. And you will have completed your waterless electric file manicure. And you'll notice you didn't really need to cut any dead skin.
वेट वाइप से इसको क्लीन करा है. इन केस अगर आपको लग रहा है अभी भी स्किन पे कुछ क्यूटिकल्स के पार्टिकल्स हैं तो आप उसको निपर से कट कर सकते हैं. आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक मैनिक्योर इलेक्ट्रिक गेजर्स का काम यहाँ पे पूरा हो गया. इसके बाद सिर्फ नेल पेंट एप्लीकेशन रह जाता है. तो नेल पेंट एप्लीकेशन जैसे आपने फ्रेंच मैनिक्योर में देखी थी सेम उसी प्रोसेस से आप इसमें एप्लीकेशन भी कर सकते हो. ठीक है. Thank you. If you want to follow. जी हेलो. मैम कुछ डाउट्स लेना चाहते हैं आप? जी सर. यू वांट टू टेक सम डाउट्स? गर्ल्स किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए. तो चैट बॉक्स में तीन क्वेश्चन है मैं आंसर कर रही हूँ. फर्स्ट है व्हाइट नेल पेंट लगाने के बाद तुम्हें नहीं रखना क्या? जो व्हाइट नेल पेंट लगाया था वो भी क्योंकि वो जेल बेस्ड एप्लीकेशन थी तो जितना भी जेल बेस्ड आप प्रोडक्ट यूज करेंगे उसको सुखाने के लिए यूवी लैम्प यूज करना मस्ट है. तो उसमें रखा था उन्होंने भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिक बफर है क्या? तो जैसे हमने वुडन स्टिक आपने प्लेन उसमें देखा था बेसिक मैनिक्योर में तो जो नेल सरफेस को अनइवन सरफेस को स्मूथ करने के लिए वुडन बफर यूज कर रहे थे सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक मैनिक्योर में बफर टूल आता है एक बिट आती है उसको यूज किया जाता है बट पर्पस दोनों का सेम होता है. वो इलेक्ट्रिक है और वो उसमें वुडन था जो आप यूज कर रहे थे. बफर क्या इलेक्ट्रिक भी होता है? जी हाँ होता है अभी आपने देखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर इलेक्ट्रिक मैनिक्योर में क्लाइंट की स्किन अगर ड्राई है तो उसमें मॉइस्चराइजर कैसे लगा सकते हैं? मैडम आप इसमें इलेक्ट्रिक मैनिक्योर में आप मॉइस्चराइजर नेल पे थोड़ा ना काम आप नेल पे काम कर रहे हो आप स्किन पे तो वर्क कर ही नहीं रहे. तो नेल तो ऑलरेडी आपको सरफेस अगर किसी बिट को यूज करना है या किसी गैजेट को यूज करना है तो आपको सरफेस वैसे ही ड्राई चाहिए. आप स्किन अगर ड्राई है तो स्किन के ऊपर आप नॉर्मल बाद में जो जितना नेल पे वर्क कराना है वो आप बिट से करा सकते हैं इलेक्ट्रिक किट से करवा सकते हैं और उसके बाद आप नॉर्मल प्लेन मैनिक्योर भी ले सकते हैं. तो जो मसाज करानी है या स्क्रबिंग करानी है या आपको ड्राइनेस खत्म करनी है तो आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो. और कोई क्वेरीज किसी की?